हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट क्लास 9th। सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड कीप स्टडी। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th चैप्टर 13, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर की फुल वीडियो की एक्सप्लेनेशन ये होने वाली है, तो हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट करे। तो चैप्टर के नाम का मतलब हम सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि हमारी प्रथा ये होती है कि हम चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं। तो चैप्टर के नाम ही क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मींस अगर कोई से कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो उसके आसपास अगर हम मैग्नेट रख देंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, हमको वही चैप्टर में देखना है कि अगर कोई से कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और अगर हम उसके पास मैग्नेट रख दे तो उसका इफेक्ट क्या होगा इस इलेक्ट्रिक करंट पे, वही हमको देखना है। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस। मैग्नेट क्या होता है? कोई सा भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, जो बस उसको अट्रैक्ट करना चाहिए। किसको अट्रैक्ट करना चाहिए? आयरन को, दैट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस को। तो मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मैग्नेट। आयरन लाइक सब्सटेंसेस मींस जैसे कि कोबोल्ट हो गया, निकल हो गया, CONi, इन सभी को मैग्नेट को अट्रैक्ट करना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ये मैग्नेट है, क्योंकि आयरन जैसे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर रहा है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, अब क्या देखेंगे हम कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है। तो अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है वो हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगी या साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगी। मींस अगर देख लीजिए, अगर ये एक मैग्नेट है, एज्यूम करें कि ये एक मैग्नेट है, तो अगर ये कुछ भी आपने इसको फ्री सस्पेंडेड है, कुछ बांध नहीं रखा है, तो ये जो इसका नॉर्थ पोल है, हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ सीक करेगा और ये हमेशा साउथ पोल की तरफ सीक करेगा। तो मैग्नेट के कोई से भी पोल हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करते हैं या साउथ की तरफ पॉइंट करके। अब हम देखेंगे कि अगर कोई सा पोल नॉर्थ की तरफ पोल करता है तो उसको क्या बोलेंगे, और अगर कोई सा पोल मैग्नेट का साउथ की तरफ पॉइंट करता है तो उसको क्या बोलेंगे। तो वही सेकंड और थर्ड पॉइंट में आपको पढ़ना है। द पोल विच पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। ऐसा पोल मैग्नेट का जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है या नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, तो वो क्या होगा, मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा या नॉर्थ सीकिंग पोल होगा। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, द पोल ऑफ अ मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल। मतलब ऐसा पोल मैग्नेट का जो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा हो, साउथ डायरेक्शन की तरफ खिसक रहा हो, तो वो कौन सा पोल होगा मैग्नेट का, साउथ सीकिंग या साउथ पोल होगा। तो ये सब तो मैग्नेट के बारे में आप क्लास 9th 8th से पढ़ते आ ही रहे हो, तो आपको इसमें कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको ये फोर्थ पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स यहाँ पे हमको बोल रहे हैं कि जो लाइक पोल रहते हैं किसी भी मैग्नेट के, वो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब पास दूर जाते हैं, क्या सॉरी लाइक जो पोल रहते हैं मैग्नेट के वो रिपेल करते दूर जाते हैं, जबकि जो अनलाइक पोल्स रहते हैं मैग्नेट के वो अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स एज्यूम कर लीजिए कि ये दो क्या है, दो मैग्नेट है। अब इसके जो ये लाइक पोल है, ये लाइक है ना, तो ये जो लाइक पोल है ये रिपेल होंगे, दूर जाएंगे, बट जो अनलाइक पोल है, मतलब ये जो ये सफेद, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये जो साउथ नॉर्थ है आपने देखा भी होगा, ये क्या करेंगे, अपनी तरफ खिसकेंगे, क्या करेंगे, अपनी तरफ पॉइंट करेंगे। तो यही यहाँ पे लिखा है कि जो लाइक पोल्स रहते हैं मैग्नेट के वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर जाते हैं, जबकि जो अनलाइक पोल्स रहते हैं मैग्नेट के वो पास में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो आपको समझाया वो इसको मैंने आपको फिगर से भी और क्लियरिटी हो जाए, आपको और अच्छे से समझाने के लिए फिगर भी ड्रॉ कर रखा है, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मैग्नेट है, इसके नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो आप देख रहे हैं कि इसके जो नॉर्थ नॉर्थ पोल है क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे, दूर जा रहे, जबकि जो इसके अनलाइक पोल है मीन्स नॉर्थ और साउथ पोल है, ये क्या कर रहे, अट्रैक्ट कर रहे, पास आ रहे है। तो यही आपको इस फिगर से भी क्लियर हो ही गया होगा कि लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। अब सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। आपने चैप्टर के नाम में देखा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको दूसरा शब्द ये देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। वैसे तो आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा ही होगा, फिर भी हम आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा और बेसिक चीजें बता देता हूँ।
इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब है कि अगर किसी कंडक्टर में से, सपोज अगर ये कंडक्टर है, वायर, अगर इसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसके बहने का बहाव क्या है, थी इसका रेट क्या है, तो इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज का बहाव होना, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज तो आपको मालूम ही होगा, चार्ज क्या होता है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम। चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एटम की, तो चार्ज का बहाव का रेट क्या है, वो इलेक्ट्रिक करंट रहता है। इसका इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट या सिंबल क्या रहता है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, आई। और इसकी एसआई यूनिट क्या रहती है, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर रहती है, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो शुरू करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स एंड फील्ड लाइंस। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो मतलब इसका मतलब क्या है, ये सब एज्यूम करें कि ये मैग्नेट है, तो इसके अराउंड जो भी एरिया होगा जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है, तो वही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अभी आपको और क्लैरिटी से क्लियर हो जाएगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने देखी होगी मैग्नेट, तो अगर आप उसमें नॉर्थ नॉर्थ पोल को मिलाओगे, तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई सा तो फोर्स है जो आपको उनको मिलाने से रोक रहा है। तो ठीक इसमें भी ऐसा ही होता है, जो एरिया जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस हो सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स ऐसी कोई चीज है, मैग्नेटिक फोर्स है ना, कि जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वही होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी ये याद रखिएगा, ये आईएमपी की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि इसके डायरेक्शन और जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों होती है। अब यही आपकी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम भी देखे रखा है, जो मैंने ड्रॉ भी करा हुआ है। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपकी मैग्नेट है और ये उसकी फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब इतने एरिया में आपको क्या हो सकता है, जो भी जो मैग्नेटिक फील्ड, जो भी मैग्नेटिक फोर्स है, आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। मीन्स अगर यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये यहाँ तक चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है ना, ये ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, बट अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रख दूंगा, तो ये क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो साउथ पोल है, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। बट अट्रैक्ट जब करेगा, जब ये अपोजिट चार्ज होंगे, ठीक है। अगर मैग्नेट मैग्नेट पे जब अट्रैक्ट करते, जब अपोजिट चार्ज होते हैं, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया होगा कि जो भी मैग्नेट के अराउंड एरिया होता है, जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो सकता है, कि कोई सा ऐसा फोर्स है जो हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, तो वही मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया कि जब आप नॉर्थ नॉर्थ पोल को टच करोगे, मतलब मैग्नेटिक को कोशिश करोगे जोड़ने की, तो वो हो नहीं पाते। क्यों नहीं हो पाते, आपको एक्सपीरियंस होता है कि ऐसा कोई सा फोर्स है जो उनको होने से रोक रहा है, तो वही जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेट का जो भी एरिया जिसके आसपास हमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है, वही मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब शुरू करते हैं इसके आगे के टॉपिक को, कि क्या ये असली में मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब क्या ये ऐसी फील्ड लाइंस होती है, और अगर होती है तो ये हमें क्यों नहीं दिखती है, क्या ये इमेजिनरी है। ये सभी सवालों के जवाब आपको इसके आगे के लेक्चर में मिलने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम हमारे सवालों का आंसर जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट इज़ अ इमेजिनरी लाइंस अराउंड द मैग्नेट। तो इमेजिनरी लाइंस होती है मैग्नेट के अराउंड में, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख भी सकते हैं, ये मैग्नेट है और ये इसके अराउंड में ये जो भी जो फील्ड लाइन्स, ये जो आपको दिख रही है, क्या इमेजिनरी लाइन्स है, ये कभी भी मैग्नेट के इसमें रियल नहीं होती, ये हमने इमेजिन करी रहती है। क्यों करी रहती है, जो ग्राफिकली सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, जो भी मैग्नेट के अराउंड में एक्टिंग कर रही होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब तो अब आप जान ही गए होंगे कि द एरिया अराउंड द मैग्नेट जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस हो सकता है, तो वही मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इतने इतने एरिया में हमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है। अब अगर सपोज अगर ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है आयरन का, तो ये इस मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, इसकी कैपेसिटी इतनी बड़ी नहीं है। बट अगर कोई सा ऑब्जेक्ट इसके यहाँ पे रखेंगे, तो ये अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में आ गई है। तो इट इज़ अ इमेज इमेजिनरी लाइंस होती है, जो अराउंड किसके अराउंड में रहती है, मैग्नेट के अराउंड में रहती है, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड्स को ही, मैग्नेट के अराउंड में जो एक्टिंग कर रही होती है। अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है।
सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज क्या रहती है? आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मतलब मैग्नेट के बाहर से, मीन्स अगर ये मैग्नेट है तो इसके बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन होगी वो कैसी रहेगी? सपोज कर लीजिए ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अभी हम फिगर से देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी समझिए कि आउटसाइड द मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक मैग्नेट्स के बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहती है? हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल रहती है। इन सिमिलरली जो इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन रहती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो कहाँ से रहती है? टेकन फ्रॉम साउथ पोल से नॉर्थ पोल। मींस इनसाइड द मैग्नेट, ये मैग्नेट है इसकी, ये साउथ पोल या नॉर्थ पोल, तो मैग्नेट के इनसाइड से इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहेगी? ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल रहेगी। दे आर कंटिन्यूस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है कंटिन्यूस रहती है और क्लोज कर्व बनाती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या रहती है? कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है आपस में, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कंटिन्यूस होती है और क्लोज कर्व बनाती है। और ये है इफ द फील्ड लाइन्स आर क्लोज फील्ड, अगर फील्ड लाइन्स पास पास में है, मीन्स अगर ये ऐसी फील्ड लाइन्स है तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग रहेगा। बाकी अगर दूर दूर है, ये ऐसी दूर दूर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मतलब आपका जो फोर्स है वो क्या रहेगा? वीक रहेगा। आपको ऑब्वियसली बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास में होंगी तो अगर आप कैसे भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेट के बहुत पास में रखोगे तो वो ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे बहुत ज्यादा रहती है। बट अगर आप थोड़ी दूर रखोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, एक लिमिट अमाउंट में दूर रखोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे थोड़ी दूर में रहती है। तो मैंने आपको समझा ही दिया कि अगर ये मैग्नेट है, अगर आप इसके यहाँ, ये ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे रखोगे तो जल्दी से अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है। बट अगर आप थोड़ी दूर रखोगे, फार रखोगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा अट्रैक्ट होने में। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दूर दूर है। तो यही यहाँ पे लिखा है, इफ द फील्ड लाइन्स आर क्लोज, अगर फील्ड लाइन्स पास पास में होगी तो जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग रहेगी, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग रहेगा। बाकी अगर जो फील्ड है वो दूर दूर है तो मैग्नेटिक, तो जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो थोड़ा कम रहेगा, वीक रहेगा। अब मैं आपको यही सारी चीजें डायग्राम से भी बता देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अब जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी, अब उनको जरा फोटो से भी क्लियर कर लेते हैं। ये फोटो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, पेज नंबर 225 पे। इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ये जो आपको लाइंस दिख रही है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, जहाँ पे ये जो मैग्नेट है ये कोई से भी सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सकता है। कोई से भी सब्सटेंसेस मीन्स आयरन जैसे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सकता है। तो हमने पहले फर्स्ट पॉइंट क्या समझा था कि जो आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट से बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन रहती है वो कौन सी रहती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे रहती है। मतलब ये देख सकते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये किसी है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल है। यहाँ पे भी देखिए, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल है। इस यहाँ पे भी देखिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल है, इधर की साइड है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन हमेशा आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल रहेंगी, जबकि इनसाइड द मैग्नेट मतलब मैग्नेट के अंदर से बाहर बात करें तो इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा कैसी रहेगी? साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे रहेगी। साउथ पोल से कहाँ से रहेगी? नॉर्थ पोल पे रहेगी। तो इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो कहाँ से रहेगी? साउथ पोल से नॉर्थ पोल रहेगी। और आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन रहेगी वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल रहेगी। फिर हमने पढ़ा था कि ये क्या रहते हैं? कंटिन्यूस रहते हैं और क्लोज्ड कर्व्स बनाते। देखिए कंटिन्यूस है और क्लोज्ड कर्व बना रहे, देखिए कर्व बना रहे गोल गोल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो इंटरसेक्ट करे, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये देखिए ये दूर दूर है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। और ये यहाँ पे देखिए, ये मैग्नेटिक, ये जो यहाँ पे फोर्स है, ये जो फील्ड है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे अगर कोई सा सब्सटेंस रखा हुआ होगा तो ये जो मैग्नेट इसको एकदम से अट्रैक्ट कर लेगी। क्यों कर लेगी? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज में, तो फील्ड मतलब यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहती है। बट अगर इफ द फील्ड लाइंस दूर है, फार है, तो जो फील्ड लाइंस है वो क्या रहेगी? वीक रहेंगी। यहाँ पे वीक लाइन, वो बहुत वीक फील्ड लाइंस है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत कम है। और कंपेयर करें यहाँ से तो यहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है। तो कोई सा सब्सटेंस अगर यहाँ पे रहेगा तो मैग्नेटिक मैग्नेट जो है वो उसको इतनी अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी जितना वो पास में अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये हमने प्रॉपर्टीज समझी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब सो स्टूडेंट्स, अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ ली। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर।
तो इस टॉपिक का मतलब है, अगर ये सपोज करिए अगर ये कोई सा कंडक्टर है, कोई सा वायर है, अगर इसमें से करंट पास हो रहा है तो ये अपने आसपास कैसी मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, यही हमको इस टॉपिक में बनना है पढ़ना है कि अगर ये कोई सा वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है तो ये अपने आसपास कैसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। सो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब ये पढ़ने से पहले कि कोई सा भी करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास कैसी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेगा, बना लेगा, उसको पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना जरूरी है ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। अब ये ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करके क्वेश्चन सर्च भी करोगे तो आपको ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट में से एक ना एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो इनका ऑर्स्टेड का पूरा नाम क्या था? तो ऑर्स्टेड का पूरा नाम हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड था, जिन्होंने डिस्कवर डेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इन्होंने क्या डिस्कवर करा था? इन्होंने डिस्कवर करा था कि अगर कोई सा करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से करंट पास हो रहा है तो ये अपने आसपास खुद ही क्या प्रोड्यूस कर लेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा उसके आसपास। ये करंट कैरिंग कंडक्टर खुद ही अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। दिस कैन बी सीन, हम इसको देख सकते हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से देख सकते हैं, मतलब कंपास की हेल्प से देख सकते हैं, जो शो करेगा डिफ्लेक्शन। द मोर डिफ्लेक्शन द करंट हायर डिफ्लेक्शन। सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उन्होंने ऐसा बोला, तो अब हम इसको शो कैसे करेंगे? अभी तो किसी भी बात को अगर शो करना हो तो हमें तो प्रूफ देना पड़ेगा ना उसका। तो हम इसको प्रूफ कैसे देंगे कि अगर कोई सा भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। इसको हम शो कर सकते किससे? विद द हेल्प ऑफ नीडल, मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से इन्होंने शो करा, मतलब कंपास की हेल्प से इन्होंने शो करा। मीन्स सपोज कर लीजिए ये मैग्नेटिक नीडल है, सपोज कर लीजिए मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक नीडल को रख दिया। एज्यूम करिएगा कि ये मैग्नेटिक नीडल है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, और ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है मतलब ये अपने आसपास खुद ही मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। मतलब अब जब ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो करेगा तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब अपनी जगह से हिलेगा। मतलब अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा, मतलब करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में। अब करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है तो ये मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, है ना, मतलब घूम जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा है, अब अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो हो रहा है मतलब जो करंट है वो ज्यादा फ्लो हो रहा है, और अगर कम डिफ्लेक्शन शो होगा मतलब जो करंट है वो कम फ्लो हो रहा है। तो ये यहाँ पे लिखा है, हम इसको देख सकते हैं, मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से, कंपास की हेल्प से जो डिफ्लेक्शन शो करती है अपनी जगह से हिलेगी। अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो हो रहा है मतलब करंट ज्यादा बह रहा है, और अगर कम डिफ्लेक्शन शो हो रहा है मतलब जो करंट है वो कम बह रहा है, आई मीन फ्लो हो रहा है। इफ द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इज रिवर्स, अगर डायरेक्शन जो है करंट की वो रिवर्स है तो डायरेक्शन जो है डिफ्लेक्शन की वो भी रिवर्स हो जाएगी। मतलब बता ही दिया मैंने, अगर जो करंट की डायरेक्शन है वो घूमेगी तो जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है, जो कंपास जो नीडल की डायरेक्शन है वो भी अपनी जगह से घूमेगी। सो स्टूडेंट्स, उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू ऑर्स्टेड क्रिश्चियन जो थे उन्होंने डिस्कवर करा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिसिज्म है ये रिलेटेड फिनोमिनॉन है ना। समझ में आ गया होगा कि अगर कोई सा करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो अपने आसपास, इनका लॉ यही कहता है कि इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा है तो वो प्रोड्यूस कर लेगा अब मैग्नेटिक फील्ड को उसके आसपास में अराउंड इट। और ये हम देख सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ नीडल ऑफ कंपास की हेल्प से देख सकते। तो इसी एग्जाम्पल से, इसी प्रूफ से उन्होंने शो कर दिया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म है ये रिलेटेड फिनोमिना है, दोनों आपस में रिलेटेड है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये यहाँ तक का चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है तो रुके रहिए, हमारे साथ बने रहिए और हमें को सपोर्ट करते रहिए। इसके आगे का टॉपिक जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे।